भिवानी में चार नकाबपोश बदमाशों ने बानगी चांग गांव के एक मिल में पिस्तौल के बल पर हजारों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मिल के मुंशी से हुई 28,600 रुपए की लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं आरोपियों ने भागते समय वहां मौजूद लोगों पर भी फायरिंग कर दी, लेकिन गनीमत ये रही कि बदमाशों की गोली दीवार में जा लगी। फिलहाल मिल मालिक रविंद्र गाबा की शिकायत मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार श्याम ऑयल मिल के मुंशी हिसाब कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बाइक सवार चार नकाबपोश लुटेरे वहां पहुंचे और मुंशी के ऊपर बंदूक तान दी। इसके बाद बदमाश गल्ले में रखे 28,600 रुपए लेकर फरार हो गए। जब लोगों ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी। इस तरह बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। बदमाशों के भागने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। वहीं मिल मालिक रविंद्र गाबा ने बताया कि बदमाशों को मिल में काम बंद होने के समय की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए उन्होंने सही समय पर अचानक हमला बोला और लूट की वारदात को अंजाम दिया। हमारे मनीष जी थे, वो कैश गिन रहे थे, उनको पता था कि 8 बजे तकरीबन ये बढ़ा के जाते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने पहले रेकी कर रखी है। सीधे अंदर आए और पिस्तौल सिर पे लगा दी और वहाँ से पैसे निकाल लिए, छीन लिए इनसे। जैसे बाहर निकले आगे से उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वाई फायर किया। कितने पैसे लेके गए? 28,600 के। क्या कुछ पहचान में आए हैं आपके? आपके जितने कोई बंदे थे या कर्मचारी आपके थे, क्या कुछ ऐसा है? उन्होंने सबने अपना मुंह ढका हुआ था। मुंह ढका हुआ था, नकाबपोश थे। किस साइड भागे हैं वो? ये इधर शह वाले मोड़ की साइड भागे हैं। वही सदर थाना SHO रमेश चंद्र ने बताया कि लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हालांकि चेहरे पर नकाब होने की वजह से अभी चोरों में से किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही लुटेरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के अंदर है ना, जो श्याम ओल श्री श्याम ओल, इसमें चार लड़के आए मोटरसाइकिल पर नकाबपोश। एक के पास हथियार था और ड्राइवर और मुनीम के से 28,600 रुपये कल्ला से ले गए। सर क्या एक ही बाइक पे सवार थे? हाँ, एक ही बाइक। सर क्या गोलियां चलाई उन्होंने? नहीं, हाँ, उन्हें जब पकड़ने की कोशिश करी तो उन्हें फायरिंग की। किसी को लगी नहीं सर? ना किसी को। कितने कैसे लूटा सर? 28,600 जो अभी बताया मुनीम जी ने, और इतने पैसे। सर क्या कोई पहचान हो पाई? लग रहे हैं CIA और सारी टीम इसमें सक्रिय हो गई है, जल्दी उसको अरेस्ट करें। सर क्या CCTV में उनकी फुटेज आई है? हाँ, यहाँ जो मिल में है वो CCTV फुटेज देख ली है और ले भी ली। बहरहाल अब शहरों के साथ साथ गांवों में भी लूट की वारदातें बढ़ने लगी हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर पाती है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब के CCTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।